हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज है दिवाली, तो सबसे पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये ब्लॉग मैं दिवाली से एक दिन बाद ही अपलोड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह के बज गए हैं 7 और आज मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ, तो आज बहुत सारा काम करने को। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने शुरुआत की थी सुबह रंगोली से। ये गोबर और मिट्टी से हमने कल ही यहाँ लिपाई पुताई कर ली थी, और आज सुबह से हमने रंगोली का कार्य शुरू कर दिया था तकरीबन 8 बजे से। और हम लोगों को सच में रंगोली करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अभी इसमें कलर भरने रह गए थे, तो मैं थोड़ी पहले वीडियो शूट कर ली थी। इसके बाद चले जाते हैं हम फूल लाने। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे लक्ष्मी जी के चरण बना दूँ, तो मंदिर के साथ ही मैंने ये लक्ष्मी जी के चरण बना दिए थे। और यहाँ पर भाभी जी और निशु अभी भी रंगोली बना रहे थे, क्योंकि रास्ते से थोड़ा सा काम रह गया था करना। तो इसके बाद मैं निकल जाती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पर मुझे फूलों का थोड़ा सा काम रह गया था। साथ में यहाँ पर हम हार बना रहे थे, तो थोड़े से तो हमने बना लिए थे, कुछ उसके बाद बनाए। और साथ ही इसके साथ मैंने ये वाला कार्य भी ख़त्म कर दिया था जो मुझे रह गया था। इस काम को ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब कुछ और काम कर लेते हैं। हमें इतनी अच्छी चित्रकला तो नहीं आती, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। अब कुछ तो इसमें अच्छी बनी थी, लेकिन कुछ बिल्कुल ही बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी हमने इसे सुधारने की काफ़ी कोशिश की थी। तो जैसी बनी है चलो बन ही गई। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे फूलों का काम, तो ये काम भी हमने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं फूल लगाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गेट पर हार लगा दिया था, उसके बाद मैं मंदिर गई थी, और फिर उसके बाद मतलब पूरे घर में हमने फूल लगा दिए थे। और साथ में मैंने ये लक्ष्मी जी के चरण भी बना दिए थे, मतलब ये कार्य भी संपन्न हो चुका था। और जैसे ही ये काम ख़त्म हुआ, उसके बाद में माता श्री ने भेज दिया था खेत, मतलब यहीं घर के साथ नीचे खेत है जहाँ से मुझे लाना था हरा धनिया और लहसुन। तो मैं पहुंच गई खेत में, और फिर मैं ले आई यहाँ से बहुत सारा हरा धनिया और लहसुन। ये मैं आपको बताती हूँ खेत, ये है दादाजी का खेत, और इसमें लगाए थे मटर इस बार, लेकिन अब ये खाली हो चुके हैं खेत। और अब देखिए शाम के 5 बज रहे हैं, और अब चलते हैं घर। और ये मैं ले आई हूँ धनिया तोड़ के, क्योंकि माता श्री करे थे सुबह से ही खाने की तैयारी। तो यहाँ पर माता श्री खाने की तैयारी कर रही थी, और मैं साथ ही मैं निकल जाती हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर में भी थोड़ा सा काम रह गया था बाकी। और इसके बाद आ जाती हूँ मैं मंदिर, यहाँ पर थोड़ा सा काम रह गया था। ये रहे मेरे लक्ष्मी जी के कदम, मतलब चरण जो मैंने सबसे पहले यहाँ बनाए थे। और इसके बाद मंदिर में थोड़ा सा काम रह गया था, तो मैंने सोचा चलो इस एक काम को पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। इसके बाद यहाँ दादाजी आ जाते हैं, जो कि शाम की पूजा की तैयारी कर रहे थे। और मुझे ये तस्वीर शिव जी भगवान की तस्वीर लगानी थी यहाँ मंदिर में, तो मैंने ये तस्वीर लगा दी थी। और ये तस्वीर लगाने के बाद सब माता को, मतलब जितनी मूर्तियाँ रखी थी सबको हमने हार भी पहना दिए थे, मतलब मंदिर का सारा काम ख़त्म हो चुका था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, और इसके बाद होने लग गई थी रात, तो हमने सोचा चलो दिया जलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दिया जलाते जलाते हमें सच में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, मतलब तकरीबन 1 घंटा हमें लग गया था दीपक जलाते जलाते। तो जैसे ही हम लोगों ने ये सारा कार्य ख़त्म किया, उसके बाद मैं निकल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए किचन में। तो मैं देखती हूँ कि किचन में बनी है थोड़ी सी मीठी रोटी, कुछ हमने भल्ले बनाए थे और कचौरी बनाई थी और मीठी रोटी बनाई थी। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ भाभी जी और माता की हेल्प की, तब तक पापा श्री आ जाते हैं, और फिर थोड़े से पटाखे हम लोगों ने जलाए, और इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी दिवाली। और इसके बाद तिलक यहाँ पर खतरों का खिलाड़ी बन जाता है, ये देखिए। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। और इसके बाद स्टार्ट होता है काम स्काई बलून्स का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है भाई और भाभी श्री से, क्योंकि भाभी श्री की ये फर्स्ट दिवाली थी।
स्टार्टिंग इन लोगों ने ही की थी। सबसे पहले जब इन्हें बैलून उड़ाया था तो ये लेंटर के साथ फंस गया था। हमें लगा था ये आगे नहीं निकलेगा, लेकिन नहीं, ये काफ़ी ऊपर तक गया था। और इसके बाद हम सब ने एक एक करके बैलून उड़ाए। सच में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। तो आप सबकी दिवाली कैसी रही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।